आप देख रही हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है, खाने में है आज चिकन रैप्स। बहुत मजे के होती हैं, आपको इसके लिए किसी रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिकन का गेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊँ, वो ये कि नाश्ते में इतनी सारी रेसिपीज़ मैं अंडे की बना रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं सुबह सुबह आ रही होती ना कि कोई मतलब मैं ऐसे ध्यान से अंडे ला रही होती हूँ कि बस अंडे टूट ना जाए, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो अंडे वाली रेसिपी नहीं हम करेंगे, आज हम जो चिकन वाली रेसिपी करेंगे। आप इस सेम रेसिपी को बिल्कुल अंडे के साथ भी बना सकते हैं, यानी इसमें उबले हुए अंडे डाल सकते हैं, आप इसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइड चिकन का। आप घर पर चिकन नगेट्स बना के रखना चाहते हैं वो बना के रख लें, आप रेडीमेड लेना चाहते हैं रेडीमेड ले लें, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि इसमें चिकन है, इसमें जो है वो खीरा है, इसमें आइसबर्ग लेटस है, मेयोनेज है, चीज़ है, तो सुबह सुबह जो है ना वो एक काइंड ऑफ ए मील है ये। बेसिकली चिकन को हम थोड़ा सा इस तरह से ज़रा बड़ा बड़ा सा चॉप करेंगे एंड हम बहुत ही रिफ्रेशिंग से ये रैप्स बनाएंगे। अच्छा, जो टॉटिया मेरे पास है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप इसको घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है आपने, सिर्फ आपने मैदा लेना है, होल व्हीट के बनाना चाहे बना सकते हैं, मगर फिर वो रोटी इफेक्ट देंगे। तो ये मैदे की आपने बस एक सिंपल प्लेन रोटी बनानी है, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। मुझे फ्रीज़ करना बहुत मज़े की एक काम, मज़े का काम लगता है, मैं जो है ना वो ब्रेड को, रोटियों को, हर चीज़ को फ्रीज़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव में गर्म करें या तवे को अच्छी तरह से गर्म करके गर्म करें तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी लेयरिंग के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इसकी फिलिंग के लिए, और वो है कि आइसबर्ग लेटस जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको पसंद है और अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आपको नहीं पसंद ना तो आप इसमें सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और ये मैं अक्सर बता भी चुकी हूँ कि जितनी भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़्यादा डार्क वो हरे रंग की होती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। आइसबर्ग का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती हैं वो रोमेन लेटस है, सलाद पत्ता है, मगर कोई सी भी बस आप इस तरह की सब्ज़ी इस्तेमाल करें तो जस्ट मेक श्योर कि उसमें कोई भी ख़राब पार्ट जो है वो आप निकाल दें, बिकॉज़ सब्ज़ियों में जो है वो पेस्टिसाइड्स और ये चीज़ें लगने का बड़ा चांस होता है। बड़ी अच्छी तरह से आपने सब्ज़ी को धोना है, जैसे ये वाले पार्ट को मैं निकाल देती हूँ। एंड अच्छा, अब हम इससे बनाएंगे दो रैप्स, और आपने देखा होगा अभी मैंने आइसबर्ग को हाथ से जो है वो तोड़ा है, या तो इसके लिए आप बग़ैर मेटल वाली नाइफ़ का इस्तेमाल करें या इसको हाथ से तोड़ें, वरना सारा जो है ना वो जूस इधर उधर हो जाता है, मज़ा नहीं आता बेसिकली इसका। एंड दिस इज़ अ टिप जो कि हमने हमारे कलिनरी एक जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है वहाँ से सीखी थी। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है वो अपने हाथ साफ़ करेंगे, बाल बांधेंगे और रैपिंग का जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, पहला हमारे पास टॉर्टिया ये है, हम तवे को अच्छा सा गर्म कर देंगे, हल्का सा इसको गर्म करेंगे, इससे क्या होगा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मेयोनेज की एक लेयर आएगी, फिर इसमें जो है वो आइसबर्ग लेटस हम ऐड करेंगे, फिर इसमें हम खीरा शामिल करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है, रिफ्रेशिंग से बनेंगे। मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, अगर आपको चीज़ नहीं पसंद ज़्यादा तो बेशक ना इस्तेमाल करें। और पतले पतले से हम इसमें खीरे के स्लाइसेस भी ऐड करेंगे लाइक दिस। बाय द वे, आजकल लाइक आई ऑलवेज से ककड़ी सीजन में है तो ककड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू गो, हल्का सा गर्म हो गया, आज तेज करती हैं अपनी, बस हल्का सा गर्म करना है, सिर्फ जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसको इस तरह से हम रैपिंग इसकी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम हमारा दूसरा वाला टॉर्टिया रख देंगे हल्की आंच पे। रैपिंग के लिए हम क्या करेंगे जनाब, के इसमें हम बहुत सारी मेयोनेज ऐड करेंगे। मुझे लोकल ब्रांड्स आजकल मेयोनेज के बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए, भर के कंजूसी नहीं करनी आपने, बिकॉज ये एक अच्छा सा जूसी जूसी सा रैप हम बना रहे हैं, चिकन रैप। ये आ गई मेयोनेज, ये आ गई इसमें चिकन, हाफ हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ हम जो हैं वो हमारे दूसरे वाले रैप में ऐड करेंगे। इसमें आ गई ढेर सारी आइसबर्ग लेटस, सम फ्रेंच फ्राइज़, ये अरेबिक शवरमा स्टाइल है कि इसके अंदर ही फ्रेंच फ्राइज़ आप ऐड कर दें, उससे भी बड़े एक मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। एंड सम टमेटोज, इतना रिफ्रेशिंग होता है या ना ये कि आपको बिल्कुल भी हैवी हैवी एहसास नहीं होता। सम खीरे, आप सोचेंगे मिर्च मसाले कहाँ हैं भाई, तो मिर्च मसाले अभी ऐड हो रहे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सम बारबेक्यू सॉस,
मुझे इतनी खुशी होती है, लिटरली मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, टॉर्टिया का यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको मैंने बस पलट दिया था कि इसी गर्माइश में हल्का हल्का सा रहेगा, फिर हम वो वाला बना लेंगे। अच्छा, अब जो है ना वो जब से मुझे लगता है कोविड आया है, कोविड के बाद हमने सारी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेड मिलती थी वो सब लोकली बनानी शुरू कर दी हैं। बारबेक्यू सॉस, सिर्राचा सॉस, हाबानेरो सॉस, कुछ नहीं छोड़ा हमने, विच इज़ अमेजिंग। अब हमें वो इम्पोर्टेड टैक्स वाली चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सिर्राचा सॉस बिल्कुल लोकल है, अच्छी वाली, सस्ती वाली, ये हम इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली रियली गुड, बहुत मज़े की भी है। साथ में हम थोड़ी सी चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। एवरीथिंग आजकल मैं जो सॉसेस ले रही हूँ सारी लोकल हैं और बहुत मज़ेदार हैं। ये हमने सॉसेस ऐड की और हम हाफ़ चीज़ का स्लाइस इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ चीज़ का स्लाइस हमारे दूसरे वाले टॉर्टिया में ऐड करेंगे, लाइक दिस से रख देंगे एंड अच्छी तरह से बिल्कुल इसको इस तरह से एक टर्न बिल्कुल फर्म तरीके से पकड़ें, लाइक दिस एंड देयर यू गो। एक हमारा रैप हो चुका है बिल्कुल तैयार, दूसरा वाला रैप करेंगे रेडी। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ स्काई इज द लिमिट, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट एक कॉम्बिनेशन होता है चीज़ का। सो चिकन या स्क्रैम्बल्ड एग विद वेजिटेबल्स बहुत मज़े का लगेगा। इसको हम स्लैंट में काटेंगे इस तरह से एंड यू कैन सी द कलर्स एंड यू कैन सी हाउ इंटरेस्टिंग लुक्स। इस तरह से दूसरा वाला रैप बनाएंगे हम जल्दी से, यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये चिकन बेचारी ने क्या कसूर किया, इसको यहाँ ले आएंगे एंड सम मेयोनेज ये हमने ऐड कर दिया। देन इस पे आएगा हमारा आइसबर्ग लेटस, सम चिकन, यमी यमी। अगर आप इसमें कॉटेज चीज़ ऐड करना चाहते हैं ना आप वो भी ऐड कर सकती हैं। और अभी मैंने रिसेंटली खाई, हमारे यहाँ ना एक बड़ी फेमस जो है वो हमारे यहाँ जगह होती है पराठा रोल की। सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक पनीर रोल मैंने अभी रिसेंटली खाया, मैं किसी से मिली जो कि वेजिटेरियन थी। उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है ना वो बग़ैर चिकन वाला पराठा रोल चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको पनीर रोल मिल सकता है। सो ये भी ऑप्शन आप कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट इन अ मूड ऑफ चिकन। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा चीज़ें गिराई हैं उनको हम समेटेंगे एंड सम बारबेक्यू सॉस, देयर यू गो, एंड सम अगेन सिर्राचा सॉस। अच्छा, आप इसमें ब्लैक पेपर को उसी वक्त फ्रेश फ्रेश क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। ग्राउंड ब्लैक पेपर एंड सम चिली सॉस, देयर यू गो, सम फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला मैं फ्रेंच फ्राइज के बगैर इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे ज़रा प्रेजेंटेशन के लिए फ्रेंच फ्राइज इस्तेमाल करने हैं। देयर यू गो। अच्छा, केचप मैंने ऐड नहीं की, मुझे पर्सनली लगता है रैप्स में केचप जो है ना वो एक अजीब सा टेस्ट देती है। ऐसा लगता है कोई आप जो है ना वो सस्ता किस्म का रैप खा रहे हैं। एंड अच्छा सा इसको भी दबा कर स्लैंट में काटेंगे एंड इसको हम प्लेस करेंगे लाइक दिस। मेरे मुंह में आ रहा है पानी। और थोड़े से फ्राइज हम ऐड कर देंगे साइड पे इस तरह से। और इसकी अभी ज़रा प्रेजेंटेशन पे मैं चार चांद लगाने वाली हूँ। जो चार चांद हैं वो ये लगेंगे कि हम ले लेंगे एक अदद पाइपिंग बैग, जैसे कि आपको पता ही मेरा फेवरेट काम है करना। थोड़ी सी हम काउंटर की करेंगे सफाई एंड ये बाय द वे लंच का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लंच के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं इसी को बटर पेपर में आप रैप कर लें एंड देयर यू गो। बारबेक्यू सॉस को हमने पाइपिंग बैग में भर के रखा हुआ है। इसको मैं सिर्फ एक रैप पे करूँगी इस तरह से प्लेस, सब पे नहीं करूँगी वरना खाने में प्रॉब्लम होगी।
बस ओवर नहीं करना किसी भी चीज़ को. प्रेजेंटेशन का रूल ही ये है कि आप चीज़ों को उप्स ओवर ना करें. एंड सम रेड कलर, सिर्फ स्पॉट्स हल्के हल्के. देयर यू गो. एंड आज की हमारी रेसिपी जो है वो हो चुकी है तैयार. एग से बनाना चाहें एग से बना लें, चिकन से बनाना चाहें चिकन से बना लें. अब हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे उन स्टार्स से जो कि ख़वातीन हैं, जो कि स्पोर्ट्स में हैं. चाहे आप फुटबॉल की बात करें या आप टेनिस की बात करें, आप अंडर 18 की बात करें या आप सीनियर की बात करें, ये हम आपको बताएंगे. हमारी काम की बात में बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है और मैं बहुत इंस्पायर होंगी, आप बहुत इंस्पायर होंगे. तो ज़रूर जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो.